राम राम साहब, आइए सीखते हैं टाई बांधना आसान तरीके से। ये जो टाई है इसके मूल रूप से दो हिस्से हैं, ये चौड़ा वाला हिस्सा जिसे हम हेड कह सकते हैं, ये पतले वाला हिस्सा जिसे हम टेल कह सकते हैं। मैं राइट हैंडर हूं तो चौड़े वाले हिस्से को अपने दाहिने हाथ की तरफ रखूंगा और इसको पूरा नीचे की तरफ लेके जाऊंगा, बाएं हिस्से को छोटा करेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर वन में दाहिने हिस्से को बाएं हिस्से के ऊपर रखेंगे, इसको यहीं पकड़ के रखेंगे, चौड़े हिस्से को पीछे की तरफ से और आगे लेके आना है। इसके बाद इसको थोड़ा सेट करेंगे। अगले चरण के अंदर इसको यहां पर रोक के रखिए, चौड़े हिस्से को घुमा के पीछे की तरफ से आगे लाएंगे और फिर इसको वापस पीछे लेके जाएंगे। अभी यहां पर एक ट्रायंगल बन गया है जो हमारी नॉट का बेस है। ये जितना सही बनेगा उतनी नॉट अच्छी आएगी, फाइन नॉट आएगी। अब इसको रोक के और यहां पर हमें एक लूप बनाना है चौड़ा, टाई को पीछे की तरफ लेके जाएंगे चौड़े हिस्से को और इस लूप को थोड़ा खोल के और इसको यहां से पास करेंगे। पीछे की तरफ जाने दीजिए, नॉट आएगी, उस नॉट को सेट कर लीजिए और इसके बाद टाई बांधने के लिए कॉलर ऊपर बटन बंद करेंगे। खुले बटन के साथ टाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और छोटे हिस्से को पकड़ेंगे, दो उंगलियों के साथ नॉट को पकड़ेंगे, नॉट को ऊपर की तरफ धकेलेंगे, छोटे हिस्से को नीचे की तरफ खींचेंगे और हमारी टाई बन गई। इसके बाद इसको इस लूप में डाल दीजिए, पीछे लूप है, कॉलर डाउन, कॉलर को सेट कीजिए। ये हमारी टाई बन गई। इसको खोलना भी आसान है, खोलने के लिए सिर्फ दाहिने हाथ की तरफ से इसको दाहिने तरफ निकालना है और अगर आपकी टाई सही बंधी है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें कोई भी गांठ नहीं आएगी। यह है टाई बांधने का आसान और सही तरीका। आशा है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।